ये है ऑर्गेनिक खाद बिल्कुल भी फ्री में अपने घर में अपने किचन वेस्ट से अपने प्लांट्स के सूखे पत्तों से ये खाद बनी हुई है ये खाद अगर हम हमारे प्लांट्स में डालते हैं तो हमें और कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हो तो आप घर में ही फ्री में ऑर्गेनिक खाद बना सकते हो खाद कैसी बनानी है हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे और ये देखिए हमारी कुछ खाद हमने सूखने के लिए रखी थी तो हम सुखा कर इस खाद को छान रहे हैं तो इस खाद को किस तरह से हमने बनाया है हम कैसे यूज़ करेंगे वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा नमस्कार मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया किचन गार्डन में तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में दिवाली के बहुत सारे मेहमान थे और बहुत मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ काफ़ी दिनों से तो अभी मुझे टाइम मिला ये देखिए मेरे खाद का ये पोर्शन मैंने अलग से बना के रखा है यहाँ पर मैंने शेड के नीचे ये बोरे रखे हैं क्योंकि हमारे गार्डन में काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में लीव्स निकलते रहते हैं काफ़ी सारे सूखे पत्ते निकलते हैं और हमारा किचन वेस्ट भी काफ़ी सारा निकलता रहता है और ये देखिए इस बोरे में अभी भी खाद बन रही है जल्द ही ये खाद भी बनकर रेडी हो जाएगी काफ़ी सारी डिकम्पोज हुई है लेकिन कुछ अभी इसमें से बाकी है कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे किचन वेस्ट के जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं सूखे पत्ते भी डिकम्पोज होने में थोड़ा वक्त लगता है खाद बनाने का हमारा बहुत ही आसान तरीका है हम सीधे सीधे बोरे में सूखा कचरा गीला कचरा डाल देते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद बनाते हैं तो हम ऐसे ही बना लेते हैं और एक एक करके बोरा जो फुल हो जाता है भर जाता है तो हम उसे साइड में रखकर फिर दूसरे बोरे में खाद बनाना स्टार्ट करते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमने हमारी जो खाद थी वो सुखाने के लिए रख दी है और 90% परसेंट खाद जब सूख जाती है तो हम इसे छान लेते हैं पूरी तरह से हमें खाद को ड्राई नहीं करना है ताकि इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर ना जाए इस वजह से हमें थोड़ा गीलापन रखना होता है अच्छी तरह से छान लेते हैं और नीचे में हमारी खाद बनकर रेडी हो जाती है और जो भी पार्ट हमारे डिकम्पोज होने के बाकी रहते हैं वो उसे हम फिर से खाद बनाने के लिए बोरे में रख देते हैं खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले बोरे में अगर हम खाद बनाते हैं तो हम नीचे में सबसे पहले सूखे पत्ते डालते हैं और दो चार इंच तक हम सूखे पत्ते डालते हैं उसके बाद हम हम हमारा किचन में गीला कचरा डालते हैं वो भी दो चार इंच की लेयर डालते हैं इसी तरह से सूखा कचरा और उसके ऊपर गीला कचरा उसके ऊपर सूखा कचरा इस तरह से हम लेयर पर लेयर चढ़ाते जाते हैं और खाद के बोरे में हम वेस्ट डिकम्पोज़र का लिक्विड बनाकर डालते हैं उससे क्या होता है ना कि वो बहुत ही जल्दी खाद बनकर रेडी हो जाती है हमारी आप भी अगर किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाते हो तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र का लिक्विड ज़रूर डालें अपने खाद में वेस्ट डिकम्पोजर क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है उस पर हमने स्पेशल वीडियो भी बना के रखा है आप चाहे तो हम एंड स्क्रीन में उसकी लिंक दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो ये देखिए इतना सारा हमारा खाद हमें आ, मार्केट से खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप भी गार्डनिंग करते हो तो गार्डनिंग में बहुत सारा कचरा निकलता रहता है सूखे पत्ते गीले पत्ते हरे पत्ते तो ये सबको आप ना फिक कर अपने ही गार्डन के लिए खाद बना सकते हो और घर की ऑर्गेनिक खाद बहुत ही बेस्ट होती है अपने प्लांट्स के लिए मार्केट से भी बहुत अच्छी बढ़िया खाद होती है ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें प्याज के छिलके, केले के छिलके सारे फ्रूट्स के छिलके सब्जियों के ये सब कुछ होता है इसलिए ये खाद बहुत अच्छी होती है हम अंडे के छिलके भी हम इसी में डालते हैं तो ये अंडे के जो छिलके होते हैं उसे डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है जो हमारा गार्डन हरा भरा फलों से फूलों से लदा हुआ आपको दिखता है ना? वो इसी की वजह से दिखता है जो हमारा जो किचन वेस्ट है जो हम डालते हैं उसमें उससे जो खाद बनती है ना, उसी की वजह से हमारा गार्डनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अब ये देखिए इसमें है ना कुछ लकड़ियाँ वगैरह कुछ कुछ पार्ट्स यानी कि जो फलियों मूँगफलियों के छिलके अंडे के छिलके ये सब डिकम्पोज तो अभी नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं छानने के बाद ये ऊपर ऊपर रह जाएंगे तो उनको फिर से हम खाद बनाने के लिए डाल देंगे तो ये खाद बनती रहेगी तो इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं फ्रेंड्स आप घर में बहुत ही आसानी से ये खाद बना सकते हो आपने देखा होगा हम सीधे सीधे बोरे में ही डालते हैं और ऊपर से हमने शेड बना के रखा है खाद को आप शेड़ में ही छाया में रखें बहुत तेज धूप में खाद को हम नहीं रख सकते हैं खाद के बोरों को या फिर कोई भी आप गमलों में बना सकते हो मटके में बना सकते हो कोई भी आपके पास बकेट वगैरह उसमें भी आप खाद बना सकते हो छोटे कम क्वांटिटी में बना सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनानी है तो हम हमारी तरह से आप बोरे में डायरेक्ट डायरेक्ट डालकर भी बना सकते हो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है उसमें और खाद बनती रहती है खाद बनाते समय हमें कुछ ही बातों का ध्यान देना होता है एक तो हमें सूखे और गीले कचरे का मिक्सचर बनाना होता है आपके पास अगर सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप जैसे ही किचन वेस्ट डालोगे उसके ऊपर आप जो पैकेजिंग के जो पुट्ठे आते हैं उसे भी आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हो पेपर्स भी डाल सकते हो न्यूज़पेपर भी डाल सकते हो तो क्योंकि वो गीला पर उसका थोड़ा सा सोख लेने के लिए हमें कुछ ड्राई मटेरियल भी उसमें डालना होता है वरना पूरा गीला अगर मटेरियल हम डालेंगे तो वो खाद हमारी नहीं बनेगी गल जाएगी सड़ जाएगी और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये खाद बनकर रेडी हो रहा है इसमें कुछ कुछ आपको ऐसे पीसेस देखेंगे जो कि डिकम्पोज नहीं हुए हैं तो हम है ना इसमें इसे बोरे में भरने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वो जो भी जो भी पार्टिकल्स डिकम्पोज नहीं हुए हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे उसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड डालेंगे तो वो जल्दी आसानी से हो जाएंगे देखिए कितनी बहुत ही बढ़िया सी हमारी खाद बनकर रेडी हो चुकी है आप भी इस तरह से खाद बना सकते हो हम गार्डनर्स इसे काला सोना बोलते हैं ये सोने से भी कीमती है हमारे लिए खाद को आप धूप तेज़ धूप में डायरेक्ट धूप में नहीं रखनी चाहिए उसे छाया में रखना चाहिए और उसको बारिश का पानी उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं गिरना चाहिए इसका भी आपको ध्यान देना होगा और उसमें मॉइस्चर भी आपको मेंटेन रखना होगा बीच बीच में आप पानी डालकर उसे थोड़ा सा गीला भी रखना होगा तभी आपकी खाद बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी बनेगी जल्दी बनाने के लिए आप गुड़ का पानी इसमें डाल सकते हो आपके पास छाछ है तो छाछ भी खट्टी छाछ भी इसमें डाल सकते हो बीच बीच में तो आपकी खाद बनकर रेडी हो जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी, भी ना भूलें थैंक यू